दोस्तों, क्या होगा अगर चांद के सरफेस पर एक परमाणु बम फोड़ा जाए? तो दरअसल 1958 में अमेरिका ऐसा करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट A-119। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अमेरिका चांद पर एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट करना चाहता था। ब्लास्ट इतना बड़ा होना था कि धरती के लोग उसे अपनी खुली आंखों से आराम से देख सके बिना किसी टेलीस्कोप के। इस न्यूक्लियर ब्लास्ट को करके अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी स्पेस पर कामयाबी दिखाना चाहता था। इस न्यूक्लियर ब्लास्ट को अमेरिका आखिर क्यों करना चाहता था? अगर ये ब्लास्ट सक्सेसफुल होता तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता, चलिए जानते हैं। हे एवरीवन, मैं हूं आपका विराट और वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट्रीज। 1950s के दशक में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब अक्टूबर 4, 1957 में सोवियत यूनियन ने अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को स्पेस पर लॉन्च किया था और एक नई स्पेस रेस की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद अमेरिका मून पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करके दुनिया को अपनी कामयाबी दिखाना चाहता था, जिससे अमेरिका के लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन पर हो रहे खर्चे के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन कुछ कारणों के तहत ये प्रोजेक्ट 1959 में ऑफिशियली बंद करना पड़ा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट तो बंद हो गया, लेकिन हम आज बात करेंगे क्या होता अगर अमेरिका सचमुच चांद पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देता। दोस्तों, चांद पर अगर कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर बम गिरा भी दिया जाए तो उसके ऊपर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चांद पर ना ही कोई वायुमंडल यानी कि ना ही कोई एटमोस्फेयर है, ना ही वहाँ पर कोई ग्रेविटी है। अगर ब्लास्ट हिरोशिमा जितना बड़ा हुआ तो धरती पर से देखने पर एक लाइट चमकता हुआ दिखेगा कुछ देर के लिए, और चांद पर एक और नया गड्ढा बन जाएगा जो मून पर आमतौर पर एस्ट्रॉइड के टकराने पर बनता है। मेरी माने तो ऐसा प्रोजेक्ट ना ही किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में इंसान कभी चांद पर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन चांद पर पूरा फैल चुका होगा। नेक्स्ट, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट कर देना, और वीडियो नॉलेजफुल लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।